हम आपको लेसन वन में जो कुछ पढ़ाया था उसके आगे पढ़ाएंगे। एक बार फिर से वेलकम। पिछली बार हमने जो पढ़ा लेसन वन में हेलो आई एम, तो इसी को हमने आपको बताया था कि हम उसके परिचय के बारे में बताएंगे, कैसे हम परिचय देते हैं अपना नाम का, अपनी क्लास, हम कहाँ रहते हैं, इस तरीके से आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हेलो आई एम जो हमने पढ़ा था, एक बार फिर बता दें, हेलो आई एम, और फिर अपना नाम बोलते हैं अपना परिचय देने के लिए। फिर इसके बाद सबसे पहले आता क्या है, इसमें परिचय बोलते हेलो पहले बोलना पड़ता है, ठीक है ना। फिर आई एम, फिर अपना नाम, ये एक क्रम होता है, क्योंकि आप अभी इसकी हैबिट नहीं है, जब आप बोलेंगे बार बार तो ये हैबिट में आ जाता है। अब परिचय में हम आपको बताएं सेल्फ इंट्रोडक्शन, ठीक है ना। सेल्फ इंट्रोडक्शन, सेल्फ इंट्रोडक्शन मतलब स्वयं का परिचय, क्या होता है ये, स्वयं का परिचय। स्वयं का परिचय, स्वयं के परिचय में सबसे पहले तो आदमी नाम ही बताता है या नाम ही पूछता है। किसी ने पूछा व्हाट इज योर नेम, ठीक है ना, क्या पूछ सकते हैं सबसे पहले, व्हाट इज योर नेम। ये प्रश्न पूछते हैं अपन, क्या कहते हैं, माय नेम इज, फिर अपन नाम लिखते हैं, ठीक है, माय नेम। आंसर में क्या बोलते हैं अपन, माय नेम इज। जैसे मान लीजिए चलो आपका नाम राजू है, तो क्या बोलोगे, माय नेम इज राजू। आपका जो भी नाम हो आप बोलेंगे ना, ठीक है, माय नेम इज मदन, ठीक है, माय नेम इज अजय। तो जिसका जो नाम है वही बोलेगा। जैसे अजय से पूछा व्हाट इज योर नेम, आपका क्या नाम है, तो अजय ने बोला माय नेम इज अजय। अमित क्या बोलेगा, माय नेम इज अमित। यहां पर आपको अपना स्वयं का नाम भूलना है, ठीक है, ये ध्यान रखना, माय नेम इज अमित, तो अमित नहीं भूलना, आपका जो नाम है वही भूलना है आपके। दूसरा, कोई किसी ने पूछा आपकी उम्र क्या है ना, हाउ ओल्ड आर यू, क्या हाउ ओल्ड आर यू, तो क्वेश्चन बनता है हाउ ओल्ड आर यू, आपकी कितनी उम्र है, ठीक है, आप कितने साल के हैं, हम क्या बोलेंगे आंसर में, आई एम 9 years old, अभी हाँ 9 बोला, हो सकता है किसी की 8 साल की उम्र हो, 8 years का हो, तो वो क्या लिखेगा, आई एम 8 years old, ठीक है ना। कोई 10 साल का हो तो क्या वो लिखेगा, आई एम 10 years old, ठीक है ना। आगे हम आपको बता रहे हैं तीसरा, मान चलो कोई आपसे पूछे कि आप कहाँ रहते हैं, किस शहर में रहते हैं, किसी ने पूछा आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव, तो आप क्या बोलेंगे, आई लिव इन खुरई। यदि आप खुरई में किसी ने पूछ लिया कि आप कहाँ रहते हैं, तो फिर आपको क्या बताना पड़ेगा, आपने वार्ड का नाम, अपने कॉलोनी का नाम, अपने मोहल्ले का नाम ऐसे बताना पड़ेगा ना। जैसे मैं शर्मा वार्ड में रहता हूँ तो मैं क्या कहूँगा, आई लिव इन शर्मा वार्ड, आई लिव इन खुरई एट शर्मा वार्ड, ऐसे बोलेगी ना। तो अभी अधिकांश अपन क्या लिखते हैं, आई लिव इन खुरई, खुरई में रहते हैं। तो पहले प्रश्न क्या है, वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू
लेफ्ट। ठीक है, इसके लिए हम देखेंगे आंसर में आई लिव इन फ्रेंच। इस तरीके से ये हमने आपको तीन प्रश्न बताए, और भी प्रश्न होते हैं। ठीक है, और भी प्रश्न है, जैसे आज पूछा जाए कि आप किस क्लास में पढ़ते हैं, इन विच क्लास डू यू स्टडी, है ना, किस क्लास में पढ़ते हैं, इन विच क्लास डू यू स्टडी, तो क्या आप लिखेंगे, उसके लिए प्रश्न बनेगा, उसका प्रश्न बनेगा इन विच क्लास डू यू स्टडी। ठीक है, क्या है, इन विच, डब्ल्यू एच आई सी एच, विच, इन विच क्लास यू स्टडी, इन विच क्लास डू यू स्टडी। अपन क्या बोलेंगे, अपन अभी तीसरी क्लास में तो बोलेंगे आई स्टडी इन क्लास थर्ड, आई स्टडी इन क्लास थर्ड। आई स्टडी इन क्लास थर्ड, मैं तीसरी कक्षा में पढ़ता हूं। ठीक है ना, फिर कोई पूछे आपका स्कूल का नाम क्या है, देखो स्कूल के नाम का परिचय क्यों देना जरूरी है, इससे पता पड़ जाता है, आदमी को पता पड़ जाता है कि इस स्कूल में है, यहाँ हम मिल सकते हैं। ठीक है ना, तो अब उसका प्रश्न कैसे बनेगा, देखो कैसे प्रश्न बनेगा, व्हाट इज योर स्कूल नेम, है ना, व्हाट इज योर स्कूल नेम, माय स्कूल नेम है एसपी जैन गुरुकुल। ठीक है, व्हाट इज योर स्कूल नेम, स्कूल नेम, क्या बोलेंगे इसमें, माई स्कूल नेम इज एस पी एन गुरुकुल प्राइमरी स्कूल, गुरुकुल प्राइमरी स्कूल। अब इसमें बहुत ध्यान से देखो कि ये हमने नाम लिखा, तो नाम का हर शब्द का पहला अक्षर बड़ा है, हम अपना नाम भी लिखेंगे, आप अपना नाम भी लिखोगे तो पहला अक्षर बड़ी बड़ा रहता है, इतना बड़ा नाम होता है, हर शब्द का पहला अक्षर फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, बड़ा होता है, कैपिटल माने बड़ा, तो नाम के पूरे नाम के हर शब्द का पहला अक्षर कैपिटल बनाया जाता है, ये देखो है ना, ये कैपिटल बना, यहाँ नहीं बना कैपिटल क्योंकि यहाँ नाम नहीं है, नाम यहाँ पर है, इसका विशेष ध्यान रखना पड़ता है, किसी का भी नाम हो उसके शब्द का पहला अक्षर हमेशा बड़ा होता है। ठीक है ना, अब जैसे किसी ने पूछ लिया आपके हेडमास्टर कौन है, हु इज योर हेडमास्टर, ठीक है ना, तब आप क्या बताएंगे, देखो क्वेश्चन हु इज योर हेडमास्टर, हेडमास्टर, हर एक प्रश्न के बाद प्रश्न का चिन्ह आता है, ये याद रखना। अब जो हेड मास्टर में एच कैपिटल बनाया है, मास्टर का एम बड़ा बना है ना, क्यों, क्योंकि ये पद होता है,
हेडमास्टर एक पोस्ट है, बड़े सर है ना, कोई भी प्राचार्य हो कुछ भी हो, तो क्या रखते हो उनके पद का हर एक शब्द का पहला अक्षर यहाँ भी बड़ा होता है। तो अपने यहाँ हेडमास्टर का नाम क्या है, श्री अशोक कुमार जैन इज माई हेडमास्टर। ये देखो है ना, अपन को इस तरीके से ये जानकारी मिली। तो अब ये आपको हमने बताया, हम इसको ये बारे नीचे की लाइन घर से पढ़ के बता रहे हैं, इससे आपको याद भी हो जाए और आप अपनी कापी में लिख भी सको, क्योंकि ये इस प्रकार से आपकी कापी में लिखा होना चाहिए, आपसे बनना चाहिए। कोई भी पूछे आपसे स्कूल में, स्कूल के बाहर कोई मिलने आता है, हो सकता है इस प्रकार से प्रश्न आपसे बने, वो प्रश्न पूछें और आपसे वो बने। इसलिए ये आपको अच्छे से पढ़ना है और एक दूसरे से बात करना है, रटना नहीं है, एक दूसरे को बताना है, जिससे आपको वो हमेशा याद हो जाता है। देखो इसमें लिखा है इन विच क्लास डू यू स्टडी, आप किस कक्षा में अध्ययन करते हैं, आई स्टडी इन क्लास थर्ड। फिर व्हाट इज योर स्कूल नेम, माय स्कूल नेम इज एसपीजीएन ग्लोबल प्राइमरी स्कूल। फिर हु इज योर हेडमास्टर, श्री अशोक कुमार जैन इज माय हेडमास्टर। ये हमने आपको परिचय के रूप में दिया है। अब अगली क्लास में हम इस लेसन के कुछ एक्सरसाइज हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है, वो हम आपके लिए कराएंगे। थैंक यू।